जब से देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अब तक न जाने कितने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु की खबर सामने आई। मजदूरों के वापस घर लौटने का कोई साधन नहीं था। मीलों दूर पैदल चलकर मजदूर अपने घर लौटने के लिए सड़कों पर निकल पड़े, जिनमें गर्भवती महिला भी मीलों दूर पैदल यात्रा करने के लिए विवश रही। और इसी बीच अनेक मजदूर दुर्घटना का भी शिकार हो गए। एक के बाद एक मजदूरों की मौत की खबर लगातार सामने आई, जिसे ध्यान में रखते हुए अप्रवासी भारतीय कामगार दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों के कई जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सचिव चंडीदास भट्टाचार्य के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अब मजदूरों की मौत की किसी तरह का कोई खबर नहीं आनी चाहिए। जल्द ही राज्य सरकार को सारे मजदूरों को वापस लाना होगा व उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य उपचार के लिए दायित्व लेनी होगी। পরিযায়ী শ্রমিক বাঁচাও দিবস হিসাবে আজকের দিনটি পালন করছি। আমরা স্লোগান তুলেছি আর একটিও যেন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু না ঘটে। আমরা দেখতে পাচ্ছি লকডাউনের পর থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের একের পর এক মৃত্যুর মিছিল ঘটে চলেছে একের পর এক, এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের সঞ্চয় ফুরিয়ে গেছে। হাজার হাজার মাইল হেঁটে তারা বাড়ির দিকে ফিরছে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সন্তান সম্ভবা নারী বাধ্য হচ্ছেন সন্তান প্রসব করতে, তার দু ঘন্টা পরে তাকে হাঁটতে হচ্ছে। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन के नए संस्करण में कई और रियायतों की घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को बताया कि पूर्व घोषित आर्थिक कार्यकल्पों के अलावा कई नई गतिविधियां चालू होंगी। कंटेनमेंट जोन को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है, ए बी और सी। ए जोन यानी इफेक्टेड जोन में किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी। बी यानी बफर जोन में कुछ गतिविधियों की इजाज़त होगी और सी यानी क्लीन जोन में सब कुछ की इजाज़त होगी। 21 मई से सभी बड़ी मझोले आकार की दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी या ए जोन को छोड़कर खुलेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जोन में बांटने के पीछे प्रभावित इलाकों को छोटा करने की मंशा है, ताकि मूल प्रभावित इलाकों में पूर्ण सुरक्षा मुहैया की जा सके और अन्य जगह पर गतिविधि शुरू हो सके। निजी या सरकारी उद्योग भी 50% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। होटल भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खुल सकेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट को अभी खुलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी बसों को भी शुरू किया जाएगा। निजी बस मालिकों से भी अनुरोध है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए बसों का परिचालन शुरू कर दें। ऑटो रिक्शा भी 27 मई से चलने लगेंगी, लेकिन वह अधिकतम 2 यात्री को ही बैठा सकती हैं। बगैर दर्शकों के खेल की भी इजाज़त दी जा रही है। शादी, शोक सभा आदि सामाजिक कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी की संख्या 15 की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सैलून व ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं, लेकिन इसमें बेहद सावधानी की जरूरत होगी। राज्य में हफ्ते भर से भले ही यात्रियों की सुविधा हेतु बस परिसेवा शुरू कर दी गई, बशर्ते कई नियम भी बनाए गए, जिसमें से प्रमुख है सोशल डिस्टेंसिंग। साथ ही यह नियम भी बनाया गया कि एक एक बस में 20 से अधिक यात्रियों को नहीं लिया जाएगा। और क्या यात्री व बस संचालन इसका पालन कर रहे हैं, इसकी जाँच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी तरह का नज़ारा आज सुबह भी देखने को मिला, जहाँ पुलिस बसों में चढ़कर चेकिंग कर रही है, साथ ही लोगों को हिदायत देती भी नजर आ रही है। দাদা একটু গ্যাপ গ্যাপ করে বসুন, একটু গ্যাপ গ্যাপ করে বসুন।
क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। Due to lockdown for the last approximately 1 month and all whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। देश भर में जारी इस लॉकडाउन में सोकर बैठकर और आराम करते करते लोगों की बॉडी लॉक हो चुकी है, लेकिन जुम्बा से मिल सकता है कोरोना से छुटकारा। जी हां, आपको बता दें कि फेफड़ों के विशेषज्ञों के अनुसार जुम्बा फेफड़ों में कोरोना संक्रमण से बहुत हद तक बचा सकता है। यह फिटनेस फाइटिंग फंड कोरिया और थाईलैंड में पहले से ही लोकप्रिय है, जो कि शरीर में प्रतिरक्षा बढ़ाता है और आनंद लाता है। प्रशिक्षकों की एक जोड़ी कनाडा से इंडोनेशिया ऑनलाइन क्लास करवा रही है। प्रशिक्षु दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी ऐसा ही कह रहे हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण जारी है। फेफड़ों के विशेषज्ञों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जुम्बा फेफड़ों में कोरोना संक्रमण से बहुत हद तक बचा सकती है। So today I'll be telling you how keeping yourself fit will protect you against coronavirus. So the major problem what people are facing in the lockdown is first of all depression and lack of adequate sleep, and there's no motivation to do exercises or keep yourself fit. So doing regular exercises will release chemicals like serotonin and endorphin from your brain. These are good mood stabilizers and will help you maintain your good mood and also provide you adequate sleep. And the third thing is people with immunocompromised states like uncontrolled diabetes. These people also benefit from exercises because that will reduce your blood sugars and improve your immune system. Recently, researchers have found doing exercises releases an antioxidant called superoxide dismutase, which is very beneficial for the lungs, and that is why it protects you against coronaviruses. So many people lack the motivation to do exercises when they are at home. I'm also one among them. So I've recently started with an online classes because everyone needs some motivation to do exercises. So my trainer Mr. Mayanak offered me the online sessions. So I've started doing that, and I'm able to appreciate myself that I'm kind of fit now. ओटेल DSRB Medical Solutions एक ISO certified company जो बनाती है world class hospital furniture और products जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल, और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट बोर्ड की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण एवं लॉकडाउन की अवधि में विधायिका स्मिता बख्शी के निवेदन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा भवन के गिरीश पार्क में लॉकडाउन शुरुआत से लेकर आज तक सेवा शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन सामग्री वितरण की गई। क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को इसी क्रम में हरियाणा भवन में पुलिस थाने को पका हुआ भोजन दिया गया। इस मौके पर उपस्थित थे पूर्व विधायक संजय बख्शी, ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन रामचंद्र बड़पोलिया, सभापति पुरुषोत्तम राय बंसल, लाइव कोलकाता के सीईओ सचिन त्रिपाठी, सचिव प्रहलाद धनानिया, 43 नंबर वार्ड के टीएमसी अध्यक्ष अशोक ओझा, गणेश शर्मा सहित बहुत से लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। संजय बख्शी ने कहा है कि कार्यक्रम का समापन है और हरियाणा भवन में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा।
प्रतिदिन भोजन का पैकेट जोड़ासाको एरिया के पुलिस थाने के अधिकारी के साथ वितरण कर सेवा शिविर में सहयोग कर रहे हैं। हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संस्था के चेयरमैन ने कहा कि 35,000 से अधिक भोजन का पैकेट अब तक वितरण किया जा चुका है। वहीं लाइव कोलकाता के CEO सचिन त्रिपाठी ने कहा है कि परोपकार सबसे बड़ा मानव धर्म है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट की बोर्ड से कोरोना वायरस के संक्रमण एवं लॉकडाउन की अवधि में विधायक स्मिता बख्शी के निवेदन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा भवन के गिरीश पार्क में लॉकडाउन शुरुआत से लेकर आज तक सेवा शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन सामग्री वितरण की गयी क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को। आज हरियाणा भवन में उसी क्रम में पुलिस थाने को पका हुआ भोजन दिया गया। इस मौके पर उपस्थित थे पूर्व विधायक संजय बख्शी, ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन रामचंद्र बडोपालिया, सभापति पुरुषोत्तम राय बंसल, लाइव कोलकाता के CEO सचिन त्रिपाठी, सचिव प्रहलाद धनानिया, 23 नंबर वार्ड TMC के अध्यक्ष अशोक ओझा, गणेश शर्मा सहित बहुत से लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। मौके पर मौजूद संजय बख्शी ने कहा कि आज कार्यक्रम का समापन है और हरियाणा भवन में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। प्रतिदिन भोजन का पैकेट जोड़ासाको एरिया के पुलिस थाने के अधिकारी के साथ वितरण कर सेवा शिविर में सहयोग कर रहे हैं। हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संस्था के चेयरमैन ने कहा है कि 35,000 से अधिक भोजन का पैकेट अब तक वितरण किया जा चुका है। वहीं मौके पर मौजूद लाइव कोलकाता के CEO सचिन त्रिपाठी ने कहा है कि परोपकार सबसे बड़ा मानव धर्म है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को।
जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार NDRF की और 5 SDRF की 4 टीमें काकद्वीप और कैनिंग उपखंड क्षेत्रों में तैनात की जा रही है। 4 SDRF टीमों को घोडामारा, मौसुनी, जी प्लॉट, गोसाबा, हाट के मलखली द्वीप पर तैनात किया जा रहा है। दूसरी ओर सागर, काकद्वीप, नामखाना, पत्थर प्रतिमा, गोसाबा और NDRF की 5 टीमें तैनात की जा रही है। दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकराने से पहले एक सुपर चक्रवात का रूप ले सकता है। जब यह जमीन से टकराएगा तो इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। প্রশাসনের নির্দেশিকা মানুন আগামী 17-18-19 তারিখ প্রবল বেগে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় দিয়ে আসছে। সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে, আপনারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন এবং উপকূলবর্তী এলাকায় যেসব বাসী সমুদ্রের জলে নামবেন না, বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের। আমাদের এই আমফান যে ঘূর্ণিঝড় আছে পড়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার জন্যে সম্পূর্ণভাবে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সর্বত্রই আমাদের জোর প্রস্তুতি আছে। প্রস্তুতি আমাদের সম্পূর্ণ। আমরা দীঘা থেকে মন্দারমণি পর্যন্ত 8টি সাইক্লোন সেন্টারকে আমরা প্রস্তুত রেখেছি এবং তার সংলগ্ন সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার যত দুর্বল বাড়ি আছে, কারো ছোটো বাড়ি, কারো অল্প চালার ঘর, যদিও সংখ্যায় কম, তা সত্ত্বেও আমরা সেই বাড়িগুলোর লোকেদের সরে আসার জন্যে আমাদের নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছে, মাইকের দ্বারা প্রচার হচ্ছে। আগামী কাল সকালবেলা আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি, জেনারেল বিডিওর প্রশাসনের, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকেও মাইকিং করা হবে এবং আমাদের সমুদ্রে এখনও ট্রলার কেউ নিয়ে যায়নি, তা সত্ত্বেও আমরা নজরদারি রেখেছি যাতে কোনো প্রকারে কোনো মানুষের অসুবিধে না হয় এবং যদি কোনো মানুষকে সরিয়ে নিয়ে আইলা সেন্টারে, সাইক্লোন সেন্টারে রাখা হয় তাতে তাদের রান্না করে খাবারের জন্য আমাদের সেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আমরা বলা হয়েছে তারা যেন প্রস্তুত থাকে, তাদেরকে রান্না করে খাবার সরকার পৌঁছে দেবে। রামচন্দ্র বাবু আপনার ফটো নেই আর ঠিক ঠিক। दुनिया भर में छा रहे कोरोना के कहर के बीच भारत देश लॉकडाउन के चौथे दौर से गुजर रहा है। इसी बीच संकल्प टुडे ने पुलिस कर्मियों के लिए PPI और सैनिटाइजर को हावड़ा डोमजूर बाकड़ा चौकी के बड़े बाबू को सौंपा। साथ ही इसे कुछ पत्रकारों को भी सौंपा गया। संकल्प टुडे के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अमित बैनर्जी और सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार रज्जाक ने कहा कि संकल्प टुडे का पूरा स्टाफ बहुत खुश है कि पुलिस और पत्रकारों सहित सभी सैनिक उनके साथ खड़े हैं। तो वहीं डोमजूर बांकड़ा चौकी के बड़े बाबू ने कहा कि पुलिस और पत्रकारों ने उनके प्रयासों की सराहना की और प्रशासन हमेशा उनके कामों को आगे ले जाएगा। অ্যাকচুয়ালি দেখুন, আমরা পুরো লকডাউন পিরিয়ডের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ বিতরণ করছি এবং সেই ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে গত সপ্তাহে আমরা এখানে ত্রাণ বিতরণ করেছিলাম, যেখানে আমাদের মনে হয়েছে যে পুলিশ কর্মী এবং মিডিয়া কর্মী, মিডিয়া বন্ধুরা সবাই আমাদের সমাজের বন্ধু, তো এনাদের যদি প্রোটেক্টেড রাখা যায় তাহলে বোধহয় আরও বেশি ভালো কাজ করা যাবে। সেই জায়গায় আমরা ওই দিনকেই চিন্তা করেছিলাম রাজেশ ভাই বা আমরা আমাদের
নেতৃত্ব চিন্তাভাবনা করে সংকল্প টুডের পক্ষ থেকে আজকে আমরা মিডিয়া কর্মীদের আমাদের সাধ্যমতো, সবাইকে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের সাধ্যমতো মিডিয়া কর্মী এবং পুলিশ কর্মীদের আমরা পিপিই কিটস দিচ্ছি, যাতে করে ওনারা ডাইরেক্ট ফিল্ডে গিয়ে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করতে পারেন এবং সুস্থ থাকেন, অন্যদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করেন। আমরা আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের সংকল্প টুডে এনজিওর কাজগুলোর জন্যে। जिस तरह से देश दुनिया राज्य भर में लोग लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौर से गुजर रहा है, उस दौरान रक्त संकट भी सामने आ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए आज जगदीशपुर पंचायत के मुखिया गोविंदा हाजरा के नेतृत्व में वन मंत्री और डोमजूर विधायक राजीव बंदोपाध्याय की पहल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया व जागरूकता का संदेश भी दिया गया। इस दौरान मंत्री ने स्वयं प्रत्येक रक्तदाता से रक्त की थर्मल स्कैनिंग की। लगभग 100 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। क्षेत्र के लोगों ने अत्यधिक गर्मी के दौरान लोगों के रक्त संकट को पूरा करने के लिए जगदीशपुर पंचायत की पहल की सराहना की। শুনুন, প্রথমে বলি যে এই করোনার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মানুষকে একদিকে সচেতন করতে যদি জনপ্রতিনিধিরা তাদের নিজেদের ভূমিকা পালন না করে তাহলে সাধারণ মানুষ কী করে বুঝবে? এবং আমি যদি এই সময় মানুষের পাশে না থাকি, যদি নিজের শরীর বাঁচানোর জন্য যদি বেশি তৎপরতা থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে মানুষ বিপদের দিনেও তাকে মনে রাখবে না। এইটা সাধারণভাবে আমরা তাই চেষ্টা করছি প্রত্যেক কটা দিন মানুষের পাশে থাকতে। এবং দেখুন, এই সংকটের মুহূর্তে রক্তের প্রচণ্ড টান পড়ে, যেমন গতকালকে আমাকে মানিকতলা ইএসআইয়ের ব্লাড ব্যাঙ্কের আমাকে সুপার ফোন করেছে যে স্যার আমার কাছে প্রচণ্ড ক্রাইসিস রক্ত পাচ্ছে। কিছুদিন আগে আমাকে এ থেকে ফোন করেছিল হাওড়া থেকে যে আমাদের রক্তের আকাল আছে, যদি একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করায়। কিছু প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে, আমি নাম বলছি না, তারাও ফোন করেছিল যে ব্লাডের আমাদের প্রয়োজন, যদি আপনারা একটুখানি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেন। भाजपा राज्य सरकार के साथ हर संभव तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। अपेक्षित सुपर साइक्लोन अम्फान के साथ लड़ाई के खिलाफ जीत पाने के लिए प्रतिद्वंदी होने के बावजूद समाज की सेवा करना भाजपा का कर्तव्य है। कुछ इसी तरह की बातें करते दिखे भाजपा सचिव राहुल सिन्हा। सोमवार को उन्होंने कहा कि कोलकाता के निजी अस्पतालों में काम करने वाले अन्य राज्यों के दूसरे 336 से अधिक नर्स शहर छोड़ने की इच्छा रख रहे हैं और अपने गृह राज्यों में वापस जाना चाहते हैं। अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो यह राज्य के पूरे स्वास्थ्य ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। राज्य सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। আরও অনেক নার্স যারা ভিন রাজ্যের আছে তারা হসপিটাল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। রাজ্য সরকার নির্বিকার হয়ে রয়েছে, এমন একটা ভাব। সরকারি হাসপাতালে তো নার্স যায়নি, বেসরকারির গেছে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি? অতএব সেই কারণে সরকারি হসপিটালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার। যদি আজকে বেসরকারি হসপিটালগুলি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পুরোপুরি চিকিৎসা বিভ্রাট চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। সেই কারণে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি, যে সমস্ত নার্সেরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসছে সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সাথে রাজ্য সরকার কথা বলুক এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সাথে কথা বলে এই যে একটা বিপর্যয়, এই বিপর্যয়কে মোকাবেলা করবার ব্যবস্থা করা উচিত। নইলে নার্সবিহীন বেসরকারি হাসপাতাল চলবে না। আর বেসরকারি হাসপাতাল এই মুহূর্তে বন্ধ হলে তাহলে যে কি বিরাট সংকট এই রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থায় নেমে আসবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, সরকার কুম্ভকর্ণের নীতি থেকে ভঙ্গ হোক, কুম্ভকর্ণের নীতি থেকে জাগুক,
और जेके ई विषय सक्रियता अवलम्बन कर। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all what is whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। लॉकडाउन के बेड़ियों से आज़ाद होने के लिए छटपटा रहे सिटी ऑफ जॉय व आसपास के उपनगरों में सोमवार को निजी बसें शुरू हो चुकी है। राज्य के परिवहन मंत्री के साथ बैठक के बाद बस संचालकों ने बसों के संचालन पर सहमति जताई, जिसके बाद बस सेवा शुरू हो गई, बशर्ते बस सेवा के अंतर्गत मिनी बस में अधिकतम 15 व बड़ी बसों में अधिकतम 20 यात्री ढोए जा रहे हैं। लेकिन बंगाल जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में ये पर्याप्त नहीं है और न ही पर्याप्त मात्रा में अभी बस सेवा उपलब्ध है। 20 यात्रियों को बस में अनुमति के बाद बाकी यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें घंटों इंतजार करने के बावजूद भी बस नहीं मिल पा रही। यातायात सुविधा से ये सभी यात्रीगण वंचित हो रहे हैं, जिस पर इन यात्रियों ने आज आक्रोश व्यक्त किया व प्रशासन को जल्द ही इस ओर ध्यान देने की बात कही। যে বালিগঞ্জের বাসটা যেহেতু ঘুরিয়ে গড়িয়া থেকে করে দেওয়া হয়েছে, গড়িয়া থেকে পুরো বাস প্যাকড আপ হয়ে আসছে, আমাদের এটাই রিকোয়েস্ট যে বালিগঞ্জের বাসটা অন্তত বালিগঞ্জের মুখ থেকে না হলেও গড়িয়াহাট মোড় থেকেই যেন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এখানকার মানুষের যারা এখান থেকে বাসটা ধরছেন গড়িয়াহাট মোড় থেকে তাদের সুবিধা হয়। এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন যারা বাস উঠতে পারছেন না, একজন কি দুজন নামছেন, এখানে প্রায় 50 জনের বেশি এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমরা কোনোভাবেই বাস পাচ্ছি না, প্রায় 1.5 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। दुनिया भर में कोरोना आतंक के कारण देश भर में लॉकडाउन है। शराब की दुकान भी लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों से बंद थी, इसलिए कई दिनों से शराब के प्रभाव में पारिवारिक अशांति की कोई खबर नहीं थी। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे ही शराब की दुकानें खुली पारिवारिक अशांति शुरू हो गई। ताज़ा मामला हावड़ा का है। हावड़ा के बक्शापाड़ा में एक फुचका विक्रेता के घर लौटते ही शुरू हुआ घरेलू अशांति। Oh, see, yeah, yeah, yeah.
लॉकडाउन में हो रहे वित्तीय संकट और खाद्य संकट के बारे में सब भूलने के लिए नशे की हालत में घर लौटा, लेकिन उसके घर पहुंचते ही अशांति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जिसके बाद 38 वर्षीय सागर सिंह ने गले में रस्सी बांधकर बाथरूम में जाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उसे हावड़ा के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर बी गार्डन थाने की पुलिस पहुंची, शोक की छाया समाचार क्षेत्र पर उतर आई। थोड़ा सा दारू पिया था हम बोले तो बस। हर रोज पीता था दारू? हाँ रोज दारू पीता था। हम लोग को बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो हम लोग सोचा कि अभी गुस्सा में है, बाहर निकल जा रहा है तो कहे घर में रहेंगे तो ज्यादा कुछ कर लेगा, इसीलिए डर के मारे हम लोग बाहर निकल गया। वो कह किया घर के अंदर से ताला लगा लिया तो हम सोचा घर में लगा सोया है, तो हम थोड़ा देर यहाँ बैठा, तो हम बाहर गया घर के अंदर गया तो चाबी नहीं मिल रहा। तब बड़ा लड़का को बोला कि बाबू जा दादी के पास चाबी है लेके आ, तो दादी के पास चाबी नहीं मिल रहा, तो बोला कि माँ चाबी तो नहीं मिल रहा, तो क्या करा। मेरा लड़का इधर से जगह है बरंडा देने से, उधर से पाछू तब गया, तब के चाबी खोजा, खोज उज के उसके बाद हम ताला खोले, थोड़ा सा छेदा है तो वहाँ से जाके देखा अपना पापा को, पापा नहीं। तो हर रोज दारू पी के मारधर करता था? एक सप्ताह होला मीटिंग हुई थी, मारते लग जो आप लोग को मारता था माना। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 169 भारतीय नागरिक एयर इंडिया के विशेष विमान से ढाका से तालाबंदी के दौरान कोलकाता लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत के कई नागरिक बांग्लादेश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उनमें से अधिकांश इस राज्य के निवासी हैं। इसके अलावा 73 छात्र, 16 वरिष्ठ नागरिक, 45 पर्यटक और 16 मरीज कोलकाता से ढाका लौट रहे हैं। इनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। तो वहीं ढाका में भारतीय उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के 18 जिलों के 169 लोगों को पहले चरण में कोलकाता भेजा जा रहा है। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSST फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। रविवार को राज्य की खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक व्यापारियों के साथ चर्चा करने के लिए हावड़ा के कल्टन सभागृह पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ हावड़ा विधानसभा में बैठक कर बातचीत की। आने वाले दिनों में कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए और लॉकडाउन में व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही व्यापारियों ने लोगों को हो रही असुविधाओं से भी खाद्य मंत्री को अवगत करवाया। ৩০০-৩৫০ ব্যবসায়ী প্রতিনিয়ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ব্যবসা করি। আজকে এই 57 দিন লকডাউন পিরিয়ডে আমাদের বাজার প্রায় অর্ধেক দিবসই বন্ধ ছিল, প্রত্যেক দিন আনে দিন খায়, এরকম মানুষগুলো আজকে না খেয়ে মরতে চলেছে। তাদের কাছে একটি প্রশ্ন, আগে জীবন না আগে জীবিকা? তারা সেই আশঙ্কা করে মরছে, শেষে কি না খেয়ে মরতে হবে। আমরা যতগুলো ব্যবসায় অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের প্রত্যেকের 2-4-5 প্রতিনিধির সাথে বসবো, একদম সেই সবজি ব্যবসায়ী থেকে বস্ত্র ব্যবসায়ী, সিমেন্ট ব্যবসায়ী থেকে চালের ব্যবসায়ী,
সমস্ত যারা রয়েছেন তাদের কাছে বসবো এবং একটা মনে করবেন যে আগামীকাল থেকে আমরা একটা বড় জোনে কিন্তু প্রবেশ করছি। থার্ড ফেজ চলে গেল, আগামীকাল থেকে আমরা ফোর্থ ফেজে ঢুকবো। ফোর্থ ফেজে ঢুকতে গিয়ে আমি একটা প্রবলেমের কথা বলি যে আমাদের এখানে একটি মেয়ে আক্রান্ত হয়, তারপর সে সুস্থ হয়ে বাড়ি আসে, ভগবানের কৃপা দয়ায় সে বাড়ি চলে আসে। তারপরে কত দুদিন আগে একজন মারা যায়, তারপরের দিন তার বাড়ির লোকে সংক্রামিত হয়, আক্রান্ত হয়। আমরা রাত্রিবেলা দুটোর সময় তাকে তুলে নিয়ে যাই হসপিটালে ভর্তি করি এবং তাদের পুরো ফ্যামিলিটাকে আমরা কোয়ারেন্টাইন নিই, তাদের সবাই চলে যায় ও সেই জায়গাটাকে আমরা সিল করি, লক 14 ডেজ সেই জায়গার লক থাকবে, না মার্কেট না কোনো দোকান কিছু খোলা যাবে না। কোনো বাড়ির লোককেও বলবো যদি কোনো বাড়ির লোকের কিছু দরকার লাগে তারা মোবাইলে ফোন করবে, ভাড়াতে ফোন করবে কিংবা আমার পৌরসভায় ফোন করে তারা বলবে আমরা খাবার পৌঁছাবো তাদের। এটা আমাদের একটা প্রোগ্রাম। আজকের যারা ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের ব্যাপার, ব্যবসায়ী তো ব্যবসা করে খাবে, তা তো না খেয়ে থাকতে পারবে না। তাদের প্রত্যেককে বলেছি যে তাদের একটু সরলীকরণ पूरी दुनिया समेत देश व राज्य भर में कोरोना का कहर छाया हुआ है। कोरोना से न केवल आम लोगों को बल्कि ड्यूटी पर तैनात कोरोना की जंग लड़ रहे योद्धा यानी डॉक्टर व पुलिस कर्मी भी प्रभावित व संक्रमित हुए हैं। बहुबाजार पुलिस स्टेशन के ओसी सिद्धार्थ चटर्जी भी कोरोना आतंक के शिकार हुए थे, लेकिन आखिरकार आज वे कोरोना से उबरने के बाद काम पर लौट आए हैं। उनके लौटने की खुशी में पुलिस कर्मियों ने पुष्प गुच्छ देकर व फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। एंड ऑल व्हाट इज व्हाट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया एंड अराउंड द ग्लोब, एक बात तो सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। कोरोना के कारण राज्य भर में तालाबंदी चल रही है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मदन मित्रा ने रविवार को कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष उपाय किया गया है। टैक्सी ड्राइवर और यात्री के बीच की दूरी को बनाए रखने के लिए टैक्सी के अंदर प्लास्टिक से कवर किया गया है। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाने के लिए हर दिन टैक्सी सैनिटाइज भी किया जा रहा है। टैक्सी ड्राइवरों को मास्क और दस्ताने पहनने के लिए कहा गया है। टैक्सी ड्राइवरों को मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित सही किराया पर नज़र रखने के लिए भी कहा गया है। माननीय মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা যেভাবে পরিবহনে সরকারি বিজ্ঞপ্তি হয়েছে ট্যাক্সি চালাবার জন্য অফিসিয়াল এখনও নির্দেশ হয়নি, কিন্তু আমরা তৈরি করে রাখছি, হলদে ট্যাক্সি প্রস্তুত। বলা মাত্র কয়েক হাজার ট্যাক্সি রাস্তায় নামবে, কিন্তু নামলেই কি আরও মানে পজিটিভ বাড়বে বা প্রতিক্রিয়া হবে? না, যাতে না হয় তার জন্য আমি যেমন এই মাস্ক পরেছি, ফেস গার্ড নিয়েছি, গ্লাভস পরেছি, ঠিক তেমনিতে ট্যাক্সিতেও আমরা প্যাসেঞ্জার এবং ড্রাইভারের মাঝখানে একটা প্লাস্টিক কভার করে দিচ্ছি, যেটাকে বলা যেতে পারে আ শিল্ড বিটুইন প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড দি ড্রাইভার, অর্থাৎ ড্রাইভার এবং প্যাসেঞ্জারের মধ্যে কোনো কন্ট্যাক্ট হবে না। মাঝখানে একটা জানলা করা আছে, পুরো পেছনটা আমরা প্লাস্টিকটা গার্ড দিয়ে দিয়েছি দুটো সিটের মাঝখানে, মাঝখানে একটা উইন্ডো হোল আছে, সেইখান দিয়ে টাকাটা দিয়ে দেবে, এমনকি টাকাটা দেওয়ার জন্য ছোঁয়াছুঁই করার দরকার নেই। আবার দ্য মোমেন্ট দ্য এক্সচেঞ্জ ইজ ওভার,
যে মুহূর্তে টাকা দেওয়া হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে জানলাটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়াও প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সিম্যান্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি নিজে আজকে নিজের হাতে করে ট্যাক্সি স্যানিটাইজ করছি। জাস্ট একটা আ মেসেজ, যাতে প্রত্যেকটা ট্যাক্সি বেরোবার আগে যেন তারা স্যানিটাইজ করে নেয়। এছাড়াও আমরা ড্রাইভারদের শিল্ড দিচ্ছি, ফেস শিল্ড, গ্লাভস দিচ্ছি, মাস্ক দিচ্ছি, এমনকি স্যানিটাইজারও দিচ্ছি, যাতে প্রত্যেকে এই যে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর এটা মানে। ভাড়াটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, যে 30 টাকা উঠলেই যে ভাড়া রয়েছে এই মুহূর্তে, আমাদের যেটা অনুরোধ সরকারের কাছে যে আমাদের এমটি হয়, প্যাসেঞ্জার চলে যায় ফিরতে হয়, সেই সময় যা মিটার হবে তার উপর 30%। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।